नवंबर मासिक राशिफल 2022। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव। हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? संबंधों में आएगी कितनी मिठास? क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंगशम जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हर महीने की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है नवंबर भाव का मासिक राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए। शनि की राशि है और ऐसे में एक लंबे वक्त से आप लोग भी शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं। अब क्या बड़ी राहत अब इस महीने से आप लोगों के जीवन में आने वाली है। इस महीने जो नक्षत्र बदल रहे, जो ग्रह नक्षत्र में जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्या कुछ है इस महीने आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हर चीज़ पे जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए मैं जिसे ये जान लेते हैं गृह नक्षत्र की स्थिति क्या कहती है इस बार आप लोगों के लिए, बताइए। मकर राशि वालों, जैसे लग्न में ही शनि विराजमान है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि साढ़े साती का दूसरा दौर आपका चल रहा है और ये 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगा 2023 में, यानी कि आपके साढ़े साती के कह लीजिए कि आधे से ज़्यादा समय समाप्त हो जाएगा, 5 साल पूरे होंगे और फिर एक अच्छे समय की शुरुआत होगी। फिर तीसरा दौर शुरू होगा, तीसरा दौर इनका शुरू होगा जो कि 28 वर्ष के लिए फिर चलेगा, 7.5 साल इस तरह से शनि, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं जी। और जब लगन से शनि निकलेंगे तो फिर इनके लिए एक काफी राहत की बात रहेगी। हालांकि शनि ने अभी से इनको शुभ फल देने शुरू कर दिए हैं, शनि मार्गी हो चले हैं और मार्गी शनि कहते हैं कि वो नुकसान नहीं करते हैं, शनि की जो वक्री चाल होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है जी। लगन भाव में शनि चंद्रमा की युति रहेगी नवंबर मास में शुरुआत में, दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में बृहस्पति है, चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में मंगल है, सप्तम अष्टम नवम भाव खाली, दशम भाव में देखिए 4 बड़े ग्रह सूर्य बुध केतु शुक्र इनके लिए बहुत उत्तम राजयोग बना रहे हैं, 11वां और 12वां भाव खाली है। तो इस माह की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये महीने किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं रहेगा, यानी कि ये महीना आपके लिए कह सकता हूँ कि साल के बहुत ही शानदार महीनों में से एक रहने वाला है। तो इस महीने का लाभ उठाएं, इतना मेहनत करेंगे उतना ही आप शुभ फल या शनिदेव भी देंगे और बाकी ग्रहों की सिद्धि भी आपके पक्ष में। चलिए, ये तो हमने जान लिया भाई आपके किस तरह से ग्रह नक्षत्र में बदलाव आ रहा है, लेकिन आइए एक एक हर पहलू पर बात करते हैं इसी के आधार पर। महंगी सेहत अब इनकी कैसी रहेगी? देखिए, सेहत मकर राशि वालों की इस महीने सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छी रहेगी, सेहत संबंधी परेशानी कोई ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों को कफ कोल्ड की समस्या रहती ही है मकर राशि वालों को, उनकी समस्या इस महीने पूरी बनी रहेगी, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु है, चेस्ट में इन्फेक्शन दे सकता है और शुरुआती 15 दिनों में आपको कोलेस्ट्रॉल या बीपी का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं वो लेवल बढ़ सकता है, बाकी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं रहेगी। मैं जी, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है इस महीने, क्योंकि किस तरह की राहत स्टूडेंट्स को मिलेगी, बाहर जाने की सोच रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे, तो ओवरऑल कैसा है? छात्रों के लिए समय देखिए काफ़ी अच्छा है और जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको वहाँ रह के अच्छे से पढ़ाई करें और सफलता मिलेगी। इस महीने अगर आपका कोई टेस्ट है वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल छात्रों के लिए तो ये एक अच्छा समय है। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन कैसा है, क्या कहता है इस महीने आप लोगों के लिए? देखिए, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी आयु विवाह के योग्य है तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि विवाह स्थान पर उच्च दृष्टि है, तो उत्तम वैवाहिक सुख के योग बन रहे हैं, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं इस समय और आपको एक्सेप्ट भी कर लेने चाहिए क्योंकि समय आपका काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर विवाह के संकेत मिलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और प्रेम संबंध भी, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो आपने बताएंगे पर्सनल लाइफ को लेकर, अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो क्या कहते हैं इनका वर्क फ्रंट, मतलब कितना अच्छा कर पाएंगे अपने ये वर्क फ्रंट पे, क्या कुछ है इनके लिए? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ जो है बड़ी शानदार रहेगी इस महीने,
चाहे साढ़े साती हो, कोई भी ग्रह स्थिति हो, हर महीना एक अलग परिणाम देता है। इस महीने सूर्य शुक्र बुध की युति आपको जबरदस्त लाभ देगी। काम कारोबार में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मार्गी शनि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण कर रहे हैं और अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नए नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल फ्रंट इनके लिए बेहतर है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि इस महीने इनके लिए हर चीज बेहतर बेहतर नजर आ रही है, तो मकर राशि वालों के लिए, हर चीज मकर राशि वालों के लिए ये महीना वाकई में शानदार है। मैं ये देखिए, ऐसी स्थिति में कोई अगर बड़ा बदलाव ये करने की सोच रहे हैं तो क्या ये सही है इनके लिए? देखिए, नौकरी पेशा लोग तो इस समय नौकरी परिवर्तन के लिए प्रयास अगर कर रहे हैं या उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ग्रैब कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि व्यापारियों को भी रुकना चाहिए। कारण मैं समझाता हूँ। देखिए, व्यापारी अगर साढ़े साती में और वो भी जब लगन में शनि हो तो नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि पीक पर है। शनि को आप यहाँ आने दीजिए और 11-17 जनवरी को शनि यहाँ आ जाएंगे 2023 में, फिर आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और ओवरऑल तो आपको अपनी कुंडली दिखाकर ही कोई बड़ा काम जब भी हम लाइफ में करते हैं, जैसे विवाह करना, नए कार्य की शुरुआत करना या मकान खरीदना, तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही करना चाहिए। दशा अंतरदशा का भी महत्व है। अगर दशा अंतरदशा शुभ है तो फिर कार्य की शुरुआत की भी जा सकती है। तो डिपेंड करेगा कि ये तो सिर्फ गोचर की प्रिडिक्शन है जी। तो गोचर की प्रिडिक्शन पे ही सब कुछ आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी कुंडली भी देखनी चाहिए। अगर आप खुद भी जानते हैं तो उसमें दशा अंतरदशा देखें। अगर कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो फिर कभी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ना ही धन का निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं जी कहते कि शनि जो होते राजा से रंग, रंग से राजा बनाने में भी टाइम नहीं लगाते, और लगन में शनि है, क्या लगता है कितना धन दे रहे मकर राशि वालों को? देखिए, मकर राशि वालों को शनि जो है अभी पैसा रुका हुआ है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है। अगर इनको अच्छा लाभ चाहिए तो उसके लिए अगले वर्ष जनवरी से वेट करना पड़ेगा जी। वहाँ शनि जो है इनको कम से कम पैसे धन संबंधी मामलों में लाभ में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ के लाभ स्थान पर दृष्टि देंगे तो लाभ फिर बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए शनि के कारण अभी इनको थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन शुक्र बुध की स्थिति, सूर्य की स्थिति, गुरु की स्थिति उत्तम धन लाभ दे रही है, तो और ग्रहों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य कितना साथ देगा इन परिस्थितियों में? देखिए, भाग्य इनका केंद्र में है तो पूरे माह 90-95% भाग्य इनका साथ देगा। बस मकर राशि वाले हिम्मत रखें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, पिछली बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए, तो इस समय यही आपके लिए मूल मंत्र है। बिल्कुल, जो बीत गया है वो बीत गया, अब जो आगे आने वाला है बस उस पे मुझे तो लगता है इंसान को अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारे हाथ में होता है। चलिए मैं ये जाते जाते क्या कुछ उपाय इनको करने चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पर आप क्या करें, शनिदेव की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन शाम के समय 5 बादाम शनि मूर्ति में चढ़ाएं। शनिवार के दिन आप नदी में बादाम या नारियल का दान बहा दें नदी में, अगर आपके घर के आसपास है नदी, कोई नहर हो तो बहुत अच्छा रहता है। और शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों की सेवा जरूर करें। अगर आपको साढ़े साती या ढैया है या महादशा है तो गरीब व्यक्ति की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अशुभ फलों में कमी करते हैं, शुभ फल ये आपके बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इस माह आपको क्या करना चाहिए, सूर्य को भी जल देना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों में और वृद्धि हो जाएगी। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि साढ़े साती में मैंने देखा है कविता जी, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।